अरे हालत खराब हो गया सच में, कितना। अरे कनिका, आजकल तुम बहुत अच्छा कर रही हो, क्या बात है? And what about me, sir? सर वैसे मैं 3.5 इंच कम हो गए। दीपक, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? ये ब्रेक। कोई नहीं, ठीक है भाई। दीपक, अरे वो सीडी तो चेंज करो, कितने दिनों से वही बजा रहे हो। किसी ने सुसाइड कर लिया लगता है। चलो चल के देखते हैं। इसके वॉलेट में से ये विजिटिंग कार्ड मिला है सर, इसका नाम विक्रम है। विक्रम, चेयरमैन ऑफ DNV डेवलपर्स। यस सर, मे आई हेल्प यू? हम लोग CID से हैं, विक्रम की वाइफ से बात करनी है। आइए सर। मैडम, ये लोग CID से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, CID और मेरे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली श्रुति जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ, किस बारे में? वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम बन पड़ा है, मलाड वाली। हाँ हाँ वही। लेकिन सर, आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? आप दीपेन से पूछिए। ये दीपेन कौन है? दीपेन विक्रम का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में बना रहे थे ये बिल्डिंग? जी, शुरू में तो पार्टनरशिप में बना रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हो गया। कोई झगड़ा? हाँ, दीपेन कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन में बहुत उल्टा सीधा कर रहा था। विक्रम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विक्रम ने उसे कई बार मना भी किया, वो फिर भी नहीं माना। तंग आकर विक्रम ने अपनी पार्टनरशिप उसके साथ खत्म कर दी सर। तो झगड़ा खत्म हुआ या अभी भी है? अभी भी है सर। सच कहूँ तो मुझे दीपेन से बहुत डर लगता है कि वो कहीं विक्रम को कुछ कर ना दे। मैं हर वक्त विक्रम को ये समझाती रहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखा करे। ये दीपेन इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त विक्रम के ऑफिस में होगा। सारे डेटा चेक कर लिए, लगता है इस बार मार्जिनल वैल्यू कुछ कम करनी पड़ेगी। मार्केट का बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप लोग, और ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में बिना परमिशन आने का? गेट ए। यस सर। किसी को भी आने देते हो? जी, ये लोग बिना बात के सिक्योरिटी पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, तुम जाओ, अपने साहब को मत देखो, जाओ, समझा देंगे हम, जाओ। मिस्टर दीपेन, हम लोग CID से हैं। आपके बिजनेस पार्टनर विक्रम का खून हुआ है और उसके बारे में हम कुछ पूछताछ करने हैं। क्या? हाँ, विक्रम का खून हो गया? जी हाँ। पर कैसे? अब ये कैसे हुआ ये आप ही को पता है। Excuse me, कहने का मतलब क्या आपका? तुम दोनों का झगड़ा चल रहा था एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लेकर, और तुमने उसे वहीं पे ले जाके मार दिया। हा? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? ठीक है, हमारे बिजनेस रिलेशन ठीक नहीं थे, सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे विक्रम को मारूंगा ताकि सीधा शक मुझ पे आए। इस सफाई देना छोड़िए दीपेन साहब, ये बताइए कि विक्रम का ऑफिस है ये, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, कानूनी तौर पे अभी हमारे बिजनेस का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और कुछ पेपर वर्क अभी भी बाकी है। आज सुबह आप कहाँ थे? आज सुबह मैं घर पे था, लेकिन मोनिका विक्रम के साथ थी। आप कौन है? मैं दीपेन सर और विक्रम सर की सेक्रेटरी हूँ। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ एयर कंडीशनर तो ठीक ठाक चल रहा है। जी वो हाँ? वो आपको
विक्रम के मर्डर के बारे में कुछ मालूम है? हा? किसी पे शक है आपको? आप तो उनकी सेक्रेटरी थी तो काफी कुछ जानकारी होगी आपको विक्रम के बारे में। जी, एक्चुअली मेरा मतलब है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि आप हम लोगों से कुछ छुपा रही है? कुछ नहीं। आप यहाँ पे बोलना पसंद करेंगी या फिर सीआईडी ब्यूरो में चल के? नहीं, एक्चुअली आज सुबह मैं विक्रम सर के साथ ही थी। मैं और विक्रम सर। सर 20 करोड़ का फिगर है सर, और उस लैंड की एप्रिसिएशन वैल्यू आज के हिसाब से सर डील तो प्रॉफिटेबल लग रही है, पर बिना रिकंसाइनमेंट के सर थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर मेहता, एक मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो विक्रम सर। जी मैं उनकी। विक्रम सर आपसे एक अर्जेंट बात करनी है सर। ओके ओके, अभी बात कर सकते हैं सर? बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, किसका फोन था? कुछ नहीं, कोई पुराना दोस्त है, नॉट इम्पोर्टेंट। होने का तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सर आप अचानक, मतलब मिस्टर मेहता ऑफिस में आने वाले होंगे, आपने टाइम दे के रखा है उनको? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ओके बाय। तो आप ये बताइए वो फोन कॉल किसका था? पता नहीं सर, विक्रम सर तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। सर आपने अभी ये सारी बातें बताई तो बस मैं थोड़ा डर गई थी, बाकी इस खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप दोनों में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। निखिल, विक्रम को जो फोन कॉल आया था उसे ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है। निखिल, एड्रेस यही है ना? हाँ सर, इसका नाम जॉन्टी और विक्रम को उस कार में इसी ने फोन किया था। इससे पहले कि तुम पूछो हम ही बता देते हैं, हम लोग सीआईडी से हैं और तुम्हें अरेस्ट करने आए। अरे सर, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया तुम भी जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जितनी देर लगाओगे बताने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें, इसलिए फटाफट बोलना शुरू कर दो तोते के जैसे। चलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ये अरे सर, ये क्या? सर सर एक सर एक एक मिनट एक सर सर प्लीज सर, ये सब क्या है? हा? ये मैप्स, ये फोटोग्राफ्स, हा? ये अलग अलग लोगों के एड्रेस, किसके एड्रेस है ये सर? अरे सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरे घर की छानबीन नहीं कर सकते हो आप। आपके पास सर्च वारंट है? हाँ है। तो दिखाओ सर फिर। इधर आओ। ये मुंबई का मैप, ये अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स, कौन कहाँ कहाँ जाता है उन सब के डिटेल्स, क्या ये सब? हाँ कौन सा बिजनेस चला रहे हो तुम यहाँ से? सर लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। आज सुबह तुमने विक्रम से बात की थी, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? इस डायरी में लिखा हुआ है। सर कुछ नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, उसमें कुछ नहीं है वैसे। गलतफहमी हो रही है? क्या ये सब? हाँ क्यों मारा विक्रम को तुमने? क्या विक्रम सर मर गए? ऐसा नहीं हो सकता सर, वो तो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके लिए काम कर रहा था। तुम विक्रम के लिए काम कर रहे थे? सर मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको, एक मिनट के लिए प्लीज छोड़िए सर मुझे प्लीज। सर मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। Thank you.
सर। सर ये मेरा लाइसेंस है। मुझे विक्रम सर ने मोनिका पर नजर रखने के लिए कहा था सर, वही मैं कर रहा था।